बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मल्टीपल चीज़ें सीखने वाले हैं, ट्रिप्स ट्रिक्स वेज सब कुछ सीखने वाले हैं कि हम अपना थंब नेल उससे कैसे इतना वीआईपी बना सकते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो जो भी वो देखे थंब नेल और आपकी वीडियो क्लिक करने पर लाजमी मजबूर हो जाए और आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो अपना थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, दो सॉफ्टवेयर हैं, इनपेज एंड एडोब फोटोशॉप यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपेज ओपन करते हैं। इनपेज पर मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, और मैंने इसे जस्ट सेव कर लिया है। अगर आपको इनपेज में यही सब कुछ करना नहीं आता तो मेरे जो कोर्स है इनपेज कोर्स कम्प्लीट मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई इश्यू है तो कमेंट कर दें ताकि मैं वो आपको लिंक सेंड कर दूं। आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट पेज करना है। एक्सपोर्ट पेज में जाके आपने जस्ट करना है ब्राउज। ब्राउज मतलब कि आपको कहाँ रखना है अपनी जो जो भी डॉक्यूमेंट है ये वाला, और देन आपने सेव एज टाइप में कर देना है। इनकैप्सुलेटेड से इनकैप्सुलेटेड करके सेव, सेव के बाद ओके कर देना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। और अब इसके बाद हम चलेंगे एडोब फोटोशॉप पे। एडोब फोटोशॉप आपने ऑन करना है, कंट्रोल एंड प्रेस करना है, एंड देन ये आपका ओपन हो जाएगा। जो हमेशा जो थंबनेल का साइज होता है वो 14 विड्थ होता है और 8 रेजोल्यूशन सॉरी हाइट होती है। एंड देन रेजोल्यूशन आपने हमेशा 300 से अबव रखनी है, और कलर्स में आपने ये सिलेक्ट करना है CMYK कलर सिलेक्ट करना है और जस्ट ओके कर देना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब हमने वही अपनी फाइल ओपन करनी है, कंट्रोल ओ करना है। EAPS फाइल हमारी जो थी थंबनेल ये हमने सेलेक्ट करनी है। ओके, हमेशा यहाँ ख्याल रखिएगा कि इसके रेजोल्यूशन हमेशा 300 से अबव हो। तो रेजोल्यूशन अगर सही होगी तो आपका टेक्स्ट है वो बेहतरीन नज़र आएगा। ओके कर देना है, हमारा विदाउट बैकग्राउंड ये आ गया है टेक्स्ट। अब हम इसको यहाँ पुट आउट करते हैं सब। अब हम इन तमाम जो टेक्स्ट है हमारा इसको कट करके हम वहाँ पेस्ट कर देंगे और लेयर या कट। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो जो ये वीडियो देखे तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें बहुत सारी हम ऐसे स्किल्स सीखेंगे जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली डेफिनेटली हम अर्निंग कर सकते हैं। एक स्किल तो आप ऑलरेडी सीख रहे हैं थंबनेल की। थंबनेल जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप यूट्यूबर्स के लिए ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको थंबनेल बनाना आता है, आप बना सकते हैं उनके लिए थंबनेल्स। तो ये एक आपके पास एक स्किल हो जाएगी, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी जो स्किल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हम एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए ऐसी कौन सी स्किल हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सीखने वाले हैं और स्किल्स सीखेंगे जिससे हम अर्निंग कर सकें। तो अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं और वेज हैं, किस तरह से थंबनेल बनाया जाए कि सब ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले अब क्या करने के वो वर्ड्स सेलेक्ट करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको हाईलाइट करना है। मैं जो अपने थंबनेल बनाती हूँ मैं भी इसी तरह करती हूँ, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन वर्ड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो सिलेक्ट करती हूँ एंड देन उनको हाईलाइट करती हूँ, उनको बड़ा कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है। वर्ड्स हमारी कितने हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो अपना जो थंबनेल मतलब बनाते हैं उनमें इतनी सारी वर्डिंग कर देते हैं कि वो दूर से प्रोमिनेंट ही होता है एक बार देखने से, उनको बस हाईलाइट किया जाए तभी वो सही से नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। मैं जो अपना थंबनेल बनाती हूँ उसमें कुछ ही वर्ड्स होते हैं लेकिन वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से मैं अपना वो जो थंबनेल है इस तरह बनाती हूँ। और आपने भी ऐसा करना है कि वर्डिंग हमेशा कम से कम रखनी है, वो लिखना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ज़्यादा कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा वो भर जाएगा और आपका थंबनेल जो है नीट एंड क्लीन नहीं होगा। आप कुछ को वर्ड्स लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे तो इस तरह से आपका थंबनेल भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा उसे बनाने में।
नेक्स्ट जो हम टिप मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूट्यूबर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं कि लिखते क्या हैं और वीडियो में क्या होता है, तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि लिखा कुछ हो और जब वीडियो देखे तो उसमें कोई फ़ायदा ही ना हो ऑडियंस को, तो इस तरह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो ये इस चीज़ से हमें अवॉइड करना है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो भी थंबनेल पर लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और सिंसियर होके काम करना है, तो इस तरह से हमारा थंबनेल वीआईपी बन जाएगा। अभी हम मेरा थंबनेल देखें, मेरा थंबनेल कितना नीट एंड क्लीन बन रहा है। हमारा जो थंबनेल पेज है उसकी ज़्यादातर स्पेस खाली भी है और हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत कम हैं और जो मेन मेन वर्ड्स हैं मैंने उनको जस्ट हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो थंबनेल है उस पर हमारी वीडियो डिपेंड करती है। थंबनेल अच्छा है तो हमारी वीडियो भी चलेगी और अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और क्लिक करे। अब जो मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए वेज यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से मैं अपना थंबनेल बनाती हूँ जो कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो इस तरह से आप भी इस तरह ये सारे वेज यूज़ करके आप भी अपना थंबनेल बना सकते हैं ताकि आपका भी थंबनेल अट्रैक्टिव हो और आपकी वीडियो भी देखी जाए और जो है आपके व्यूज़ भी बढ़ें और सब्सक्राइबर भी बढ़ें। तो नेक्स्ट मेरी वीडियोज़ में मैं सिंसियरली इंशाल्लाह सब कुछ हम कोर्सेज भी करेंगे, स्किल्स भी सीखेंगे और जो अर्निंग के वेज हैं वो भी देखेंगे वो किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, तो इस तरह से हम साथ साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अब फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि हम अपने थंबनेल में आइकन भी लगा सकते हैं और इमोजीज भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी पिक अगर लगा सकते हैं तो वो लाजमी लगाएं, क्योंकि ये आपका और ऑडियंस के दरमियान का अट्रैक्शन होता है और रिलेशन इससे स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपनी पिक लाजमी लगाएँ क्योंकि जो ऑडियंस है अगर आपकी एक भी वीडियो कोई उससे पसंद आ गई है तो नेक्स्ट वो आपकी वीडियो ढूँढेगा नहीं, लेकिन अगर आपकी पिक आपके थंबनेल पर होगी तो वो उसे डेफिनेटली आपकी ही वीडियो क्लिक करेगा। अब मेरा थंबनेल रेडी है, देखिए कितना खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बन गया है। तो यहाँ से मैंने इतनी ज़्यादा वर्डिंग्स भी नहीं देखी और मेरा जो थंबनेल का बैकग्राउंड पेज है वो भी बिल्कुल क्लीन है और जो वर्डिंग है उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है।